हाय गाइस, मैं हूं रोशन मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा सर मैथमेटिक्स पर। आज जो हमने एक सेट लिया है वो है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमने लिया है ये सभी तरह के एग्जाम में कारगर साबित होने वाला है, चाहे वो सिंडिकेट बैंक का हो, चाहे केनरा बैंक का हो, चाहे IBPS का हो, चाहे SBI क्लर्क हो, चाहे SBI PO हो, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए ये कारगर साबित होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और अप्रोच समझने का कोशिश कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1070 डिवाइड करना है 26.75 से, 26.75 से, और परसेंटेज निकालना है मेरा 255 प्लस 39% 450 का, ठीक है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये तो आसान है, ये बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा है कि ऐसे इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, आप जैसे 75 दिखे, जैसे ही 25 दिखे 0.25 में, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा दिखे 55 दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करो। 75 दिखे 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5 यूनिट डिजिट पे अगर देखे तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि 2 से कर दे, 25 है तो 4 से कर दे। 125 के लेंथ रेंज में आ रहा है तो वो हम उसे 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 गुना 2 मिलके होता है 10, 25 गुना 4 मिलके होता है 100, 125 गुना 8 मिलके होता है 1000। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाता है, 625 गुना 16 मिलकर के हो जाएगा 10000, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, बढ़ते हैं फिर यहां पे आते हैं। अभी देखो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26.75 को, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 4 से नीचे में मल्टीप्लाई कर दें हम अपने मन से, अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, 26 गुना 4 104, और 75.75 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 का डबल हो जाता है 150, फिर से डबल हो जाता है 300। तो 0.75 × 4 हो जा रहा है मेरा 300, दो डिजिट पहले डेसिमल यानी 3। तो 26 गुना 4 हो गया 104 और उधर आया था 3, दोनों मिल करके क्या बन जाएगा 107, ठीक है। अब जैसे ये 107 बना तो 107 से 107 कट जाएगा, ये नया चीज मेरे सामने आ चुका है 40% 255 का प्लस। अब हमें इसे क्या लिख लेना है इस बात को भी आप समझ लीजिए, मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये सब चीज आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइंड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40% है, 10% 45%, 40% 4 गुना 180, 180 में से 1% माइनस करना है यानी 4.5 को माइनस करना है। तो या तो हम 180 को अभी रहने दे और 4.5 को माइनस करें। अब इसका 40% कैसे निकालेंगे, 25.5 4 गुना करते हैं, 25 का 4 गुना 100, 0.5 का 4 गुना 2, तो ये बन जाता है 102, 180 माइनस 4.5। इस दोनों को ऐड करेंगे 282, 282 में से 4.5 को माइनस करेंगे 277.5 आएगा। इतना स्पीड में करना है और इससे भी ज़्यादा स्पीड में करना है, ठीक है। चलिए फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हम अप्रोच को समझेंगे और अलग अलग तरह के अप्रोच को समझेंगे। या तो हम डायरेक्ट इसको ये कर सकते हैं कि 40% निकालना है, आपको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% रिप्रेजेंट करता है, और उसका 10% क्या रिप्रेजेंट करेगा 45, 450 का 10% रिप्रेजेंट करेगा 45 और 40%, तो 45 का 40%, 45 का 40% मतलब 45 40 10% है 45, तो 40% का मतलब क्या होगा 4 टाइम्स। तो 45 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180, ठीक है, और 1% 450 का, तो 10% जब 45 था तो 1% क्या हो जाएगा इसका 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 40% निकालना बड़ा ही आसान है, 10% क्या रिप्रेजेंट करेगा 25.5, तो 40% रिप्रेजेंट करेगा इसी का 4 गुना 25 का 4 गुना 100 और 0.5 का 4 गुना 2,
तो 102 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, 102 प्लस 180 माइनस 4.5, ये जो हमने यहां पे लिखा है ये होना चाहिए आपको यहां पे, समझ रहे हैं, पहली लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो 180 प्लस 102 को ऐड करेंगे 282, और 282 में से 4.5 को माइनस करेंगे, अरे 5 को माइनस कर दो, 5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 282 में से 5 माइनस करेंगे 277, 0.5 हमने एक्स्ट्रा माइनस किया तो इसलिए 277.5 आंसर हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। थोड़ा एक और अप्रोच हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए एक और भी अप्रोच देखते हैं, क्योंकि 40% यहां भी आया है और 40% यहां भी आया, ठीक है। तो हम 40% इस फॉर्मेट इसे कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए, 40% 255 का प्लस 40% 450 का माइनस 1% 450 का, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब 40% 40% कॉमन आ जाएगा, 450 250 को पहले ऐड करते हैं, 450 प्लस 250 705, देखिए कितना आसान हो गया, 40% 705 का हो गया, 40% ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 705। अब 40% जब 705 का हो गया तो 10% 70.5 होगा, तो 40% चार गुना होगा, तो 70 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 280, और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हो जाता है 2, टोटल मिलके हो गया 282। अब 1% 450 का तो 4.50, अब देखिए कितना ये आसान हो गया, और इसका आंसर हो गया 277.5, ठीक है। आप अप्रोच समझ रहे हैं, अप्रोच समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा आपको, जितना भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं इसी क्वेश्चन को आप लेकर के 4 से 5 बार बैठ करके बनाइए, बार बार बनाइए, आप अपने दिमाग से अप्रोच निकालने का कोशिश कीजिए, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको फायदा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 20,394 13,274 माइनस है 3,497 माइनस 8,978 माइनस 3,163। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, कौन करेगा इतना, कर भी सकते हैं अगर नंबर पे पकड़ है तो, कंसंट्रेशन लेवल आपका एकदम जबरदस्त है तो कर सकते हैं, फिर भी हम एक तरीका आपको बताते हैं। पहले हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, यूनिट डिजिट जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, मतलब चार चार यूनिट डिजिट सेम आ रहा, ठीक है, और एक नो आ रहा। अब हम क्या करते हैं, सेम आ रहा तो उसको छोड़ो, टू डिजिट ले लेते हैं, लास्ट टू डिजिट 30, 29, 40, 50, 60, चारों का चारों पांचों का पांचों अलग है, तो हम यूनिट डिजिट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, मतलब लास्ट टू डिजिट लेकर के। अब देखो 94 प्लस 74 ना करके 94 माइनस 97 कर लेते हैं, तो माइनस 3, 74 माइनस 78 माइनस 4, तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, और माइनस 63 माइनस 70। अब माइनस 70 तो होगा नहीं, प्लस में होगा, और प्लस में होगा तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 100, और आंसर क्या हो जा रहा मेरा 30। 30 किसका ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो ए, और आंसर हो गया मेरा 18,030। अब हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसको, डिटेल से देखते हैं, लिखा हुआ है 20,394 प्लस 13,274। डिटेल से क्यों देख रहे हैं, हो सकता है कि दो का ऑप्शन हो जाए 30, तब क्या करेंगे, माइनस 3,497 माइनस 8,978 माइनस 3,163। आपको प्लेस वैल्यू समझ में आना चाहिए, थाउजेंड वाला वैल्यू, टेंस वैल्यू, हंड्रेड्स वैल्यू, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये 13,000 है, 8, 3, 11, 11, 3, 14, लेकिन ये तो 8, 3, 11, 3, 14 यानी 13,000 से 13,000 ही माइनस होगा, तो भी अभी 1,000 बचा हुआ। अब यहाँ से हम ले लेंगे 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, बचेगा 19,000, ठीक है। कितना बच गया मेरा 19,000। अभी जो सब बचा हुआ उस पर थोड़ा गौर करो, ठीक है। देखो यहाँ पे 497, 978 और 163 बचा हुआ। हम ऐसा करते हैं कि ये जो 9
100 और 100 है, ठीक है, 900 और 100 ये दोनों मिलके हो जाता है 1000, और 1000 यहां से उठा करके माइनस कर देते तो फिर से मेरा कितना बच गया 18000, क्योंकि 1000 इधर है नहीं मेरे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, 300 200 500 500 में से 400 को माइनस करेंगे तो 100 मेरे पास बचेगा, ठीक, देखते जाइए। 94 माइनस 97 माइनस 3, 74 माइनस 78 माइनस 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, ये 100 बचा हुआ है और 100 में से 63 4 3 7 70 को माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा 30, 18000 प्लस 30 आंसर होगा मेरा 18030, ठीक है। कंसंट्रेशन लेवल इसमें अच्छा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 टर्म है, 6 टर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोनों ही तरीका आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्लस माइनस से ही है, दोनों ही तरीका से हम आपको बताने वाले हैं, यहीं पे हम करके देख लेते हैं। वही 2 2 2 तो सब जगह, यहाँ भी 8 8 है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस कर लेते हैं लास्ट टू डिजिट, प्लस 49 माइनस 47, प्लस 2 हो गया। अच्छा प्लस 2 जो हुआ, ध्यान से देखो, प्लस 2 हुआ तो 39 प्लस में है और 14 प्लस में है, तो 39 प्लस में है और 14 प्लस में है। देखिए थोड़ा लाइट चला गया है, ठीक है, फिर भी आपको दिख तो रहा ही होगा, पटना है, कभी लाइट रहता है कभी लाइट नहीं रहता, राजधानी का ये हाल है। चलिए देखते हैं लाइट आएगा तो, तब तक मैं कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा शायद। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था 49 में से 47 माइनस किए 2, और 2 एक यहाँ फिक्स करते हैं, एक यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और एक यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये 39 प्लस 1 मिलके हो गया 40, और 14 एक 15, तो 40 और 15 मिलके हो गया 55, और 55 में से 63 को माइनस करेंगे 63 को, तो माइनस 8 आएगा। अब ये जो माइनस 8 आया है तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 8 आया है और लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं, तो लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं, हमें ऐड क्या करना है इसमें 100, तो 100 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 92, और इसमें से आप देख लीजिए कौन सा 92 वाला ऑप्शन है, तो सी, ठीक है। चलिए हालांकि हम इसे डिटेल से भी कर सकते थे लेकिन लाइट चला गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, ठीक है। चलिए आप कर लेंगे, ये एक बार करने का कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा आपसे। बढ़ते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 125 गुना 6.4 प्लस 25 गुना 96.4 प्लस 5 इंटू 23.4। ये चीज देखो, ये चीज हम मेरे दिमाग में रहना चाहिए, कितना आसान हो जाएगा। अब 125 है तो हमें खोजना है, अगर 8 मिल जाए तो 1000 मिल जाएगा, तो क्या यहां से 8 मिल रहा है, तो मिल रहा है, 0.8 इंटू 8 हम इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे पहले सजा लेता हूं। अच्छा 25 यहां पे लिखा हुआ है तो हमें 4 निकालना है यहां से, तो 4 निकालेंगे, 4 निकालते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, चलिए तो यहां से हम देख लेते हैं 24 चौका 96 एक 24.1, ठीक। और यहां पे 5 है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11.7, 117 × 234 होता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आसान हो गया ये मेरे लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो 125 गुना 8 हो गया 1000, और 1000 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800 प्लस 25 गुना 4 हो गया 100, और 100 को जब हम 24.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2410। 5 गुना 2 हो गया 10, 10 को अगर 11.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ गया, ठीक है, 117 आ गया। अब क्या करते हैं, अब आप देख लीजिए, ये 2400 और 2400 में 800 अगर ऐड कर देंगे, ये एकदम आसान है, 2400 प्लस 100 2500 2500 प्लस 800 3300,
10 प्लस 17 मिलके हो गया 27 और आंसर हो गया आपका 3327। चलिए लाइट आ गया 3327, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये अप्रोच आपके समझ में आ गया होगा। या अंधेरा में अगर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 125 गुना 8 देखना है। तो 8 निकालते हैं तो 0.8 बचेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइंड में कैलकुलेट कर दिए, 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर दिए 1000 और 1000 को 0.8 से मल्टीप्लाई किए तो 800। यहाँ से हमें 25 गुना 4 है तो 4 खोजते हैं, 4 जैसे ही खोजे तो 24.1 आएगा, 24.1 और 25 चौका 100 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2410। यहाँ से हमें 2 खोजना है, 5 दूनी 10 117 यानी 11.7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 होगा और इसे ऐड कर देते हैं 2400, 100, 2500, 800 मिलके हो गया 3310 और 17 मिलके हो गया 27। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन मेरा हो चुका है, 5वें क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिर से देखिए यहाँ पे 125 और फिर से यहाँ पे 25 है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यही चीज का दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लीजिए 1212 है, 1212 और डिवाइड करना होता है 125 से, प्लस 3456 है और डिवाइड करना होता है 25 से। तो 125 है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। आसान हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये 1000 हो गया, और इसे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 100 हो गया, और 100 का और 1000 का यूज करेंगे हम लोग डेसिमल के रूप में। तो 12 अठे 96 हुआ, जबकि नीचे में 1000 होगा तो 1 2 3 यानी 9.696 होगा। ठीक है, प्लस अब क्या करते हैं, 25 चौका 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 3000 है, 3000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12000। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 यानी 13600। 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200, 13600 प्लस 200 13800। ठीक है, और 6 गुना 4 तो हो गया ये 13824। और पॉइंट कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये तो 100 है ना, 1 2 डिजिट पहले। अब इसे ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा, ये देख लो 240 इसे बनाएंगे, 240 में 696 को ऐड कर देंगे तो आ रहा होगा मेरा कितना, 147.936। ठीक है, बात आ गया आपके समझ में, आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन सब आपको इजी लगेगा। ठीक है, जरूरत है प्रैक्टिस करने का। जब आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो लक्ष्य साधना एक बहुत बड़ा तपस्या है, पढ़ाई करना, स्टडी करना बहुत बड़ा तपस्या, आसान कुछ भी नहीं होता। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एकदम बैठ जाइए कि नहीं, कैसे नहीं, आदमी ना बैंक में जाता है जॉब करने, आप देखें कि नहीं, वो जब आप गए होंगे किसी बैंक में तो कोई मंगल ग्रह का एलियन बैठा हुआ बैंक में, नहीं, कहाँ से जाता, यहीं से, हमारे आपके जैसे लोग बैंक में रहते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए और आप भी सक्सेस हो सकते हैं, वसरते की मेहनत चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करते होंगे, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बनाना, असल में कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियोस बनाना बड़ा ईजी है, आए और सब कुछ रेडी होता है, नहीं, सब कुछ रेडी करना पड़ता है। मुझे खुद, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद से रेडी करता हूँ,
खुद से ये चीज लिखता हूँ। अब रहा बात कि यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं है कि कंप्यूटर पे कैसे लिखा जाए। है मेरे पास सब कुछ है, लैपटॉप वगैरह सब कुछ, बट बैठ करके लिखने से ज़्यादा बेटर हम समझते हैं बोर्ड पे ही लिख लेना। ठीक है, तो आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी ज़रूर मेहनत करेंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छठा क्वेश्चन है मेरा, 7802 प्लस 132 माइनस 8963 प्लस 1326 बराबर है वाट इंटू 33। आपको पता चल गया होगा कि इस 33 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी 33 से हम डिवाइड करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, देख लीजिए, 7000, 1000, 8000 कट गया, ध्यान से देखिए, 7000 था यहाँ पे, 1000 था यहाँ, यहाँ 7000 था, यहाँ 1000 था, 1000 प्लस में, 7000 प्लस में, 8000 माइनस में, कट गया। ठीक है, 800, 100, 900 खत्म हो गया। ठीक है, 32 दो 34, और 34 में पहले हम इस 26 को ऐड करते हैं, तो 34 प्लस 26 30 प्लस 20 50, 6 प्लस 4 10 60, और 60 जैसे ही हमने इसे दिया तो माइनस 3, और 300 माइनस 3 297 डिवाइडेड बाय 33। अब ये देखिए, 11 तीस 33, 11 दूनी 22, 11 सत्तर 77, 3 में 27, और वाट का वैल्यू आ रहा मेरा 9। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर सातवें क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ 21.9% ऑफ 650 इज इक्वल टू वाट प्लस 23 प्लस 0.12। ठीक है, बनाते हैं। अब ये देखिए, इसे मल्टीप्लाई करने कुछ लोग लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, इस चीज को आप समझिए। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 22% माइनस 0.1%। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, और इस 22% को भी आप क्या लिख सकते हैं, 20% प्लस 2%। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखना नहीं है आपको, लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करना है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में आ जाए बात क्या है। तो 650 का 10% होगा 65, तो 650 का जब 10% 65 होगा तो 20% क्या हो जाएगा इसका, 20% डबल होगा, तो 65 का डबल हो जाता है 130, और प्लस 2%, प्लस 2% का मतलब हो जाएगा 6.5 का डबल यानी 13.5, या आप समझ सकते हैं, सॉरी 13, ये देख लीजिए, 65 का 20% 130, तो 2% 130 में 10 कम यानी 13, तो 130 प्लस 13 मिलकर के हो जाएगा ये 143। ठीक, और 0.1% माइनस में लिखना है, तो 6.5 होता है 1%, 6.5 होता है 1%, तो 0.1% हो जाएगा 0.65, और ये 23.12 है। ठीक है, 43 में से 23 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, क्या बचेगा 20, 43 में से 23 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, 100 पहले से ही मेरे पास, ठीक है, रहने दीजिए। और उस 20 में से 65 और 12 को माइनस करने के लिए, यानी माइनस हमें क्या करना है 77, तो उस 20 में से 20 का कोई जरूरत नहीं है, 19 रखते हैं, तो 119 मेरे पास आ चुका है, और 1 में से 77 माइनस करते हैं, यानी 100 में से 77 माइनस करेंगे तो 0.23 आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 119.23। ठीक है, मजा आया, बड़ा आसान था ना। चलिए बस अप्रोच को समझिए, अप्रोच को समझते जाइए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू पे आधारित है। आपको मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कहा है कि आप मेरे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे YouTube चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है, उसका तीन पार्ट है, उस तीनों पार्ट को देख लीजिए, दो से तीन बार देख लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा परसेंटेज
और फ्रैक्शन का कन्वर्जन। अगर ये चीज़ आपको मालूम रहेगा तो इससे देखिए कितना ये आसान है। तो 100% प्लस 12.5%, 100% प्लस 12.5%, 100% का मतलब होता है 1 और 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 1 प्लस 1/8 को हम डायरेक्ट लिखेंगे 9/8 ऑफ 12.5% को लिखेंगे 1/8, 116 पूर्णांक 2/3% को लिखेंगे 100%, 1, 16 2/3% का मतलब 1/6, तो लिखेंगे 7/6 इंटू 12.8। और ये देखिए कितना आसान हो गया, 8 8 64 64 2 128, ठीक है। इसे हम चलिए नीचे लिख देते हैं, तो 2 3 6 और 3 3 9, 7 3 21 10 यानी 2.1, और आंसर हो गया मेरा 2.1, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वो चीज़ ज़रूर कर लीजिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, इसका तीन पार्ट है, आप इस तीनों ही पार्ट को बार बार देखिए, 2 से 3 बार 4 बार देख जाइए, ठीक है, तो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।